देख रहे हैं एनबीटीवी निष्पक्ष बात। मैं हूं सुनील यादव। यदि आपने अभी तक एनबीटीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। टिमनीवालवा पुलिस ने ग्राम सामर्था के पास स्थित जूनापाली नाले के पास मिर्ची कोह में पत्थरों के नीचे दबे नरकंकाल वाले मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने हत्या करने वाले पांचों आरोपियों में से चार आरोपी मणिराम, हरिराम, गंजन और शंकर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पांचवें आरोपी दुर्ग की तलाश की जा रही है। सभी आरोपियों पर धारा 302-201 के तहत मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी अजय तिवारी ने बताया कि जादू टोने को लेकर सुखराम की हत्या की गई थी। चारों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि हरिराम, मणिराम, गंजन, शंकर और दुर्ग सभी मिलकर भांजी नदी पर शराब पी रहे थे। तभी सुखराम वहां आ गया, जिसके बाद पुरानी रंजिश के चलते सुखराम को पकड़ लिया। उसके सीने पर जोर से हरिराम ने पहले लठ मारा, जिसके बाद एक ने पैर पकड़े, दो लोगों ने गले में डाले गमछे से गला घोट दिया, फिर एक ने कंबल में लपेटा और जूनापाली नाले के पास पत्थरों के नीचे उसे दबा दिया। आपको बता दें कि जब सुखराम कई दिनों तक घर नहीं आया तो सिवनीमालवा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। उसके बाद गांव के ही 20-25 लोग सुखराम की तलाश कर रहे थे, तभी उन्हें नरकंकाल नजर आया, जिसकी सूचना सिवनीमालवा पुलिस को दी गई, जिसके बाद थाना प्रभारी अजय तिवारी ने पुलिस अधीक्षक ML छारी और SDOP SL सोनिया के नेतृत्व में टीम का गठन किया और सघन जांच करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी अजय तिवारी, उप निरीक्षक आकाश शर्मा, सहायक निरीक्षक RC खातरकर, प्रधान आरक्षक सुरजीत ठाकुर, आरक्षक मनोज रघुवंशी, राम स्वरूप दायमा, सुशील मिश्रा, हेमंत, बसंत लोंगरे, मुकेश झाड़े, अतुल विश्वकर्मा, बलराम भट्टी, सतीश कुशवाहा, पवन तिवारी, मूलचंद रघुवंशी, राहुल सोलंकी की सराहनीय भूमिका रही, जिसके चलते अंधे कत्ल का इतनी जल्दी खुलासा हो सका। जंगल में जो नरकंकाल मिला था, हाँ, उस मामले में क्या अपडेट है या क्या खुलासा? आज इस मामले का हम लोग खुलासा कर रहे हैं। दिनांक 8/11 को ग्राम समर्दा का सुखराम कौर को गुम हो गया था, जिसके 18/11 को उसके परिजनों में थाने में रिपोर्ट की थी कि बगैर बताए घर से कहीं चला गया है। लगभग एक माह बाद 19/12 को ये सूचना प्राप्त हुई कि समर्दा के अंदर जंगल में करीब 5 किलोमीटर अंदर पहाड़ी में कोई पत्थरों से लाश दबी हुई है। लाश काफ़ी पुरानी है, 1 महीने, और कंकाल के रूप में लाश दिख रही है और उसके ऊपर एक कंबल ढका हुआ है। सूचना पे समस्त पुलिस स्टाफ और FSL अधिकारी मौके पर पहुंचे और लाश को निकलवा के उसका पंचनामा करके उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में ये क्लियर हुआ कि नहीं, उसको जो है सीने में कुछ चोट भी है और उसका गला घोट के और उसको जो है मारा गया है। PM रिपोर्ट पर से और प्रथम दृष्टया साक्ष्य आने से धारा 302-201 IPC का अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया था। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में SDOP सर और मैंने अपने स्टाफ के साथ बैठ के बारीकी से विश्लेषण किया और ये देखा कि वास्तव में क्या हो सकता है, ये अंधा कत्ल, ये 1 महीने बाद कैसे इसका खुलासा हो सकता है। कुछ मुखबिर भी लगाए, मुखबिरों से प्राप्त सूचना के आधार पर ये जानकारी पता लगी कि मई के महीने में हरिराम, उसी गांव का हरिराम कोरकू था, उसका सुखराम से कुछ जादू टोने की बात पर विवाद हुआ था। हरिराम जो है सुखराम के घर के चारों तरफ एक चक्कर लगाया था, उसका कहना था कि सांप निकल रहे हैं और इस कारण जो है इनका कुछ रंजिश चला आया। इसी बात को लेकर सुखराम को जो है हरिराम ने पेड़ से बांध भी दिया था और उसके बाद में कुछ विवाद हुआ था। हालांकि उस चीज़ की रिपोर्ट इन्होंने थाने में नहीं की थी। इस आधार पर हरिराम को हिरासत में लेके पूछताछ की गई, उसके द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया और घटना कुछ इस प्रकार से रही कि हरिराम, उसका दोस्त मणिराम, गंजन, शंकर और दुर्गु, ये पांचों लोगों ने मिलके सुखराम को जंगल में जो है शराब जब ये लोग पी रहे थे जंगल में मिलने पर एक लाठी से मारा सीने में, जब वो गिर गया तो उसका गला घोट दिया और गला घोट के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में वहीं जंगल में पत्थरों के नीचे उसके शव को कंबल से अच्छे से लपेट के दबा दिया और वहां से वो लोग भाग गए। गांव के लोगों ने, करीब 25-30 लोगों ने लगातार सर्चिंग करी और करीब 1 माह बाद जो है, वो जंगल बहुत दुर्लभ दुर्गम जगह है, लाश मिली और लाश को जो है पुलिस ने जब बरामद किया और साक्ष्य मिलते गए
और इस प्रकार से ये पाया गया कि इन पांचों लोगों ने मिलकर पुरानी रंजिश और जादू टोने की बात पे पूछताछ में आरोपी ने क्या बताया, मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह है उसने ये बताया कि मई के महीने में इनका जो है जादू टोने की बात पे कुछ विवाद हुआ था। उन्होंने कहा था सुखराम जो है हमारे घर के चारों तरफ एक चक्कर लगा रहा था, उसके बाद से हमारे घर में सांप निकलने लगे थे। गाँव देहात के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, इस प्रकार की चीजों को मानते हैं और उसी बात पे वो रंजिश रखे हुए था और मौका देख के उसने अपने साथियों के साथ ये घटना की। चार आरोपी हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, केवल एक आरोपी इसमें जो दुर्गू है वो फरार है, जल्दी इसको भी पकड़ लेंगे। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त लाठी कंबल और बाकी सब चीजें जब्त कर ली गई हैं, विवेचना अभी जारी है। आज हम आरोपियों को जुडिशियल रिमांड पे भेज रहे हैं, एक अन्य आरोपी को भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय श्री एम एल छारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री घनश्याम मालवी, SDOP श्री सोनिया सर का डेली मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। मैं और मेरी टीम में उपनिरीक्षक आकाश शर्मा, दीपक शर्मा और रामचंद्र खातरकर और अन्य समस्त स्टाफ ने लगातार 10-12 दिन तक जो है गांव में जा जाके बहुत बारीकी से, चूंकि आदिवासी क्षेत्र है सूचनाएं निकालना बहुत कठिन होता है, पर बहुत अच्छा टीम ने काम किया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा समस्त टीम को पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है।